साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की महान विरासत को लेकर के गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो काल बाह्य है उसको छोड़ने वाले हम लोग हैं, लेकिन जो सदियों से खरा उतरा है, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, मजदूर ने, किसान ने, कामगार ने, शिक्षक ने, वैज्ञानिक ने, हजारों साल से देश की परंपरा को विकसित किया है। औरों को शर्म आती हो आने दो, मुझे इसका गर्व होता है। जिनको शर्म आती है वो उनका प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है, और इसलिए हम दो बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। एक, इस महान विरासत को, और दूसरा, आधुनिक विजन को। हमें कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, भारत की महान विरासत है। अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई? कुंभ के मेले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर चूर करने के लिए हुआ है इतने सालों तक। एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया गया, कुंभ का मेला मतलब नागा साधुओं की जमात। उस परसेप्शन को बदला जा सकता है और योगी जी के नेतृत्व में देश ने बदला है, और उसका गौरव सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का हुआ। छब्बीस जनवरी को जब विजय चौक के अंदर परेड होती है और हमारे विजय पथ पर टैबलोज जाते हैं, पहली बार एशिया के अंदर भगवान राम को किस किस रूप में देखा जाता है उसका प्रगटीकरण 26 जनवरी पर राजपथ देश ने देखा। लेकिन इसके साथ हम वो लोग हैं जो अटल टिंकरिंग लैब भी बनाते हैं, ताकि मेरी जो नई पीढ़ी है, आठवीं दसवीं कक्षा का बच्चा है, जो अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन पे सोचे, नए अनुसंधान पे सोचे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे और भारत को 21वीं सदी में वैज्ञानिक अधिष्ठान पर ले जाए, इसके लिए भी हम उतनी ही ताकत लगाते हैं। और इसलिए हम कल्चर का जितना महात्म्य देते हैं, हम 21वीं सदी के विजन को भी उतना ही प्रगढ़ता के पूर्वक आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। हमारे देश में पूजा पाठ में 125 रुपये का महत्व है, सब है, लेकिन फिर भी भीम ऐप बना करके मोबाइल फोन से डिजिटली डोनेट करने की परंपरा हम विकसित कर रहे हैं। चीजें जरूरी नहीं है कि पुराना सब तोड़फोड़ करके ही नया बनाया जा सकता है, लेकिन हमने उन चीजों को आगे लिया है। हम 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से शुरू की थी यात्रा, 6 नंबर पे पहुंच गए दुनिया में। 5 नंबर पे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, 3 पर पहुंचने के पहले 3 में पहुंचने के इरादे से काम कर रहे हैं। आज मेरा देश का नौजवान स्टार्टअप को लेकर के विश्व में ताकत के रूप में उभर सकता है, तो स्टार्टअप को बल देकर के देश के नौजवान की ताकत से विश्व को अचंभित करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं।